हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने गमलों को और भी मजबूत कैसे बनाएं। जो हम गमले लेते हैं उनमें थोड़े टाइम बाद इस तरह से, ये देखिए, इसकी सीमेंट की पपड़ियां सी उतरने लग जाती है और गमला साइडों से कई बार डैमेज होने लग जाता है। तो जो हम बाज़ार से सीमेंट के गमले लाते हैं तो उनमें सीमेंट की क्वांटिटी कम होने के कारण वो गमले जल्दी टूट जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपने गमलों को और भी मजबूत बना सकते हैं ताकि वो जल्दी से टूटे ना। तो सबसे पहले आप कोई भी गमला ले लीजिए। तो ये देखिए, मैंने ये गमला ले लिया है और ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से गीला कर लिया है। आप गमले को सबसे पहले अच्छे से भिगो लें पानी में, करीब आधा घंटा आप उसको पानी में डाल के रखें। फिर आप उसमें ये देखिए इस तरह से सीमेंट डाल दीजिए। तो आप नीचे गमले में सीमेंट डाल दीजिए, अगर उसमें ड्रेनेज होल है तो आप किसी और कंटेनर में भी सीमेंट डाल के, और आपको एक ब्रश चाहिए जिससे हम इसकी जो अंदर वाली जो सारी ये दीवार सी है इस पे एक पतली सी लेयर करेंगे ताकि इसमें जब भी हम मिट्टी और पौधा डालें तो उसका पानी का इफ़ेक्ट अपने गमले पे ना पड़े। तो इस तरह से हम गाढ़ा घोल बना लेंगे। सीमेंट डालने के बाद हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एकदम से हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये जो घोल है ये पतला हो जाएगा। तो हमें ये घोल बिल्कुल भी पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना, मीडियम सा बनाना है। अगर थोड़ा सा ही अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से सिंपली हमें ये देखिए, इसकी अभी भी ये थोड़ा सा पतला बन गया, तो इसके अंदर मैं सीमेंट ऐड कर दूँगा। फिर हमें अच्छे से इसकी सारी अंदर से दीवारों पर लगा देना है। इससे क्या होगा कि ये गमले के ऊपर एक पतली सी लेयर बना देगा, जो जब हम पानी या मिट्टी हम गमले में डालें पौधा लगाएं तो वो अब गमले के अंदर वो पानी अंदर नहीं रहेगा, जिसके कारण हमारा गमला ख़राब भी नहीं होएगा और उसके जो ऊपर से सीमेंट की पपड़ियां सी भी नहीं बनेगी। आप चाहें तो ये हाथ से भी कर सकते हैं, बिना ब्रश के भी आप ये कर सकते हैं, और आप पहले भी इसमें ड्रेनेज होल बना सकते हैं ताकि बाद में अगर ये मुश्किल ना हो ड्रेनेज होल बनाने में। तो इसी तरह से सिंपल हमें ये करना है। तो मैं ये पूरा करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इस पे देखिए एक पतली सी लेयर बना दी है। अब हमें इसे 1 से 2 घंटे के लिए सूखने के लिए रखना है। 2 घंटे के बाद हम इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर पानी डालेंगे। 1-2 बार हम पानी डालने के बाद हम इस तरह से, ये देखिए मैंने पहले ही 24 घंटे के लिए इन्हें पानी भर के अंदर रख दिया था। अब ये देखिए सीमेंट अच्छे से पक गया है। इसमें आपने 2 घंटे बाद इस पर पानी डालना है, उसके बाद फिर एक बार और पानी छिड़काव करके ताकि अच्छे से एक बार सीमेंट पक जाए, फिर उसके बाद आपने उसमें पानी भरना है। तो ये देखिए अब ये कितने अच्छे से ये पक गया है सीमेंट। अगर आप इसको पानी में अच्छे से एक रात को भिगो के रखेंगे जब ये सीमेंट लगाने के बाद, तो ये और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।